वेल दोस्तों, शुरुआत करते हैं जहां जाते हैं जाते हैं मेरे प्यारे क्लासवासियों, मुझे आप लोगों को क्या बताने का है। तो आज जो शुरू होने वाला टॉपिक है वो है कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट। ठीक है, कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट का टॉपिक आज शुरू होने जा रहा है। ठीक है, रिवीजन है, कोशिश करेंगे कि एक से दो लेक्चर में, एक लेक्चर में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन दो लेक्चर में कोई हालत में टॉपिक पूरा खत्म हो जावे। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम आप ही मुझे बताएं लिस्ट प्राइस का मतलब क्या है। बोलो रे, लिस्ट प्राइस का मतलब क्या है? वो प्राइस जो प्रोडक्ट के ऊपर मार्क किया हुआ रहती है ना, यानी कि एमआरपी लिखी हुई रहती है। कोई दुकान में जाते हैं तो वहां टैग लगे हुए रहते हैं, उनको हम बोलते हैं लिस्ट प्राइस। इसी का दूसरा नाम मार्क प्राइस। अगर लिस्ट प्राइस में से कोई ट्रेड डिस्काउंट देवे तो वो माइनस करने के बाद में जो प्राइस आती है उसको क्या बोलते रहते हैं? इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस में से तब के तब अगर पैसा दिया है ना राइट नाउ, तो वो कैश डिस्काउंट भी देता है। इनवॉइस प्राइस में से कैश डिस्काउंट माइनस कर दिया तो ये आ गई नेट सेलिंग प्राइस, ये आ गई हमारी सेलिंग प्राइस। लेकिन हमारी कॉस्ट तो और भी कम रहेगी, तब जाके तो प्रॉफिट होगा ना। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट, है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि कॉस्ट अगर ज्यादा है तो लॉस भी आ सकता है। ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजीज है। ठीक है, अब हम फटाफट डिस्कस करते हैं एक एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आसान है, छोड़ो, सीधा दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपको दिख रहा है क्या सारे लोगों को? अरे बोलो रे सारे लोग, अगर दिख रहा है तो, नहीं तो मैं इसको जूम करता हूं। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल नंबर टू क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल टू वे कम्युनिकेशन चाहिए, आप अगर रिस्पॉन्स देंगे तो मेरे को और मजा आएगा। क्या बोल रहा हूं मैं? सारे लोग बोलो रे। यस सर। विराज भट्ट जिस, हाँ, अब आपने क्या करना चाहिए मेरे साथ में, आपने भी प्रिपेयर कर लेना चाहिए ये टॉपिक। मैं दो दिन में पढ़ाऊंगा, आप थोड़ा सा आपका समय इस चैप्टर को देख के इसको धुनका देना, खत्म कर देना। ठीक है, तो सबसे पहला डिस्कशन हमारा एग्जाम्पल नंबर टू। पहला बहुत ज्यादा आसान है। सेल्समैन, आपके पास में टेक्स्ट बुक मौजूद है ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। सेल्समैन को कमीशन मिल रहा है, कितना कमीशन मिल रहा है? 3% का कमीशन मिल रहा है ऑन सेल्स अप टू 50,000। 50,000 रुपए के ऊपर के सेल्स के ऊपर 3% का कमीशन, यानी कितना हो रहा? 50,000 का 3% यानी 1,500। ठीक है, एंड 4% का कमीशन मिल रहा है, 4% यानी 4/100 काय के ऊपर? ऑन सेल्स अबाउ 50,000। ठीक है, 50,000 के ऊपर के सेल्स के लिए 4% का कमीशन मिल रहा है। ठीक है, अब हमको मालूम है पूरा सेल्स कितना है उसका, 2,00,000 रुपए का है। पहले 50,000 पे उसको 3% कमीशन मिल रहा है, और 1,50,000 रुपए पे, यानी 2,00,000 - 50,000 यानी कि 1,50,000 रुपए पे उसको कमीशन कितना मिल रहा है? 4%। तो 1,50,000 का 4% यानी 6,000। तो बताओ उसका टोटल कमीशन कितना हो गया? तो टोटल कमीशन 50,000 तक के सेल के लिए 1,500 रुपया, आगे के सेल के लिए 6,000 रुपया, यानी 6,000 + 1,500 यानी 7,500। समझ में आया क्या रे? बोलो हाँ या ना। आप अगर रिस्पॉन्स देते रहेंगे तो मेरे को भी मजा आएगा पढ़ाने में। अबे बोलो ना। हाँ सर। एग्जाम्पल नंबर थ्री, एग्जाम्पल नंबर थ्री क्या बड़बड़ कर रहा है? एग्जाम्पल नंबर थ्री बोल रहा है मेसर सरस्वती, कुंतीवती सरस्वती वॉज पेड 88,000 कमीशन। सरस्वती, मेसर सरस्वती कमीशन पे कर रही है 88,000 का ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर बेचने पे कमीशन दे रही है
वो भी 12.5%। समझ में आया क्या? 88,000 का उसने कमीशन पे किया 12.5% के रेट के साथ में। अगर हर एक कंप्यूटर की प्राइस 32,000 है तो बताओ मेसर सरस्वती ने कितने कंप्यूटर बेचे। मान लीजिए कि मेसर सरस्वती ने x कंप्यूटर बेचे तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? एक कंप्यूटर अगर 32,000 का है तो x कंप्यूटर कितने के? 32,000 × x, यानी ये आ जाएगी टोटल सेलिंग प्राइस। अबे बोलो ना, सही है गलत है? सही है ना, ये आ गई टोटल सेलिंग प्राइस। लेकिन हमको सेलिंग प्राइस नहीं निकालना है सर, हमको तो निकालना है नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड। चलो ठीक है, निकाल लेंगे, यू नीड नॉट टू वरी। ये टोटल सेलिंग प्राइस पे कमीशन 12.5% से 12.5 / 100 मिल रहा है, और ये कमीशन की अमाउंट कितनी हो रही है? 88,000। कमीशन यानी क्या रहेगा? टोटल सेल्स इंटू रेट ऑफ कमीशन, है ना। टोटल सेल्स 32,000 × x, रेट ऑफ कमीशन 12.5%, और अमाउंट हो गई है 88,000। इसको हमने अगर सॉल्व कर लिया तो x का आंसर कितना आ रहा है? 22। यानी कि मेसर सरस्वती ने कितने कंप्यूटर बेचे? 22 कंप्यूटर बेचे। समझा कि नहीं समझा? बोलो जल्दी जल्दी, अबे बोलो ना। समझा सर? समझा ना सर, एकदम मस्त समझा, यू नीड नॉट टू वरी सर। अब एग्जांपल नंबर 4, अनीता। कुंती ता अनीता, अनीता जो है अलाउड, कितना कमीशन अलाउ किया है उसको? 6.5% का कमीशन ऑन टोटल सेल्स मेड बाय हर। जितना भी वो सेल्स कर रही है ना अनीता, उस सेल्स पे 6.5% का कमीशन प्लस। इतना ही नहीं, हम अनीता को बोनस भी दे रहे हैं। जितना भी वो सेल्स कर रही है ना, वो पहले 20,000 पे कोई बोनस नहीं, लेकिन 20,000 के ऊपर के सेल्स के लिए 0.5% का बोनस। क्वेश्चन समझ में आया क्या आपको? बोलो रे। अरे बोलो ना। अबे हाँ ना, कोई जवाब भी नहीं दे रहा है। जिया राजा, विराज भट्ट, अथर्व बोरेकर, वेदांत भुयार, वेदिका करवा, अबे बोलो ना, है ना। ऑन सेल्स ओवर 20,000 उसको 0.5% का बोनस दे रहे हैं। मान लीजिए कि उसका सेल्स का अमाउंट कितना है? एक्स है। एक्चुअली हमको बोला हुआ है फाइंड सेल्स मेड बाय हर, तो हमने अज्यूम कर लिया कि उसने कितना सेल्स किया हुआ है? एक्स किया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन नहीं बोला है कि उसको जो टोटल कमीशन अमाउंट इंक्लूडिंग बोनस कितना मिला हुआ है? 3,400, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं बोला हुआ है, हमने अज्यूम, हमने मान लिया है, अज्यूम किया हुआ है कि उसने जो सेल्स किया हुआ है वो कितना किया हुआ है? एक्स। अब कमीशन कितना मिलेगा उसको? जितना भी उसने सेल्स किया इंटू रेट ऑफ कमीशन। सेल्स किया हुआ है उसने एक्स, रेट ऑफ कमीशन है 6.5%। बताओ x × 6.5% यानी 6.5x/100, कोई दिक्कत? हाँ। अब बोनस कितना मिला हुआ है? 20,000 के ऊपर के सेल्स के लिए बोनस मिला हुआ है, ठीक है। तो अगर x टोटल सेल्स है तो x में से 20,000 माइनस कर दो। x में से 20,000 माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा टोटल सेल्स। टोटल सेल्स के ऊपर 0.5% का बोनस, 0.5%। इसको हमने सॉल्व किया है ना, 0.5 / 100 × x, 20,000 × 0.5 / 100, इसको सॉल्व कर लिया। अब हमको बोला हुआ है क्वेश्चन में कि कमीशन इंक्लूडिंग बोनस कितना मिला हुआ है उसको? 3,400। कमीशन प्लस बोनस 3,400, तो कमीशन कितना है रे? बोलो रे। कमीशन है 6.5x/100। बोनस हमने निकाला, कितना निकाला? 0.5x/100 − 10,000/100। इसको सॉल्व कर लिया तो x का आंसर कितना आ गया? 50,000। सही है गलत है? बोलो। सही है, हाँ। तो हाँ, इसी का मतलब टोटल सेल्स मेड बाय अनीता इज 50,000। सही है ना?
किस्सा खत्म मेरे प्यारे क्लासवासियों। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन देखते हैं? पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। पांचवा क्वेश्चन क्या है बताओ? प्रिया गेट सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ। प्रिया को सैलरी कितनी मिल रही है? 15,000 पर मंथ। ठीक है, ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या रे? अबे बोलो ना। नहीं सर। आयुष होलानी, रिद्धि बींड, महिमा चांडक, शुभदा गावंडे, पलक गांधी, स्वयं अग्रवाल, सुजाता ठेंगरी, ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या कि बराबर चल रहा है सब? बराबर। हाँ, क्योंकि रिवीजन है तो थोड़ा तो फास्ट लेना पड़ेगा ना, तब जाके कवरेज होगा ना। ठीक सर। हाँ, अब आप ही मुझे बताओ, प्रिया को सैलरी मिल रही है 15,000 रुपए पर मंथ, इसके अलावा प्रिया को कमीशन भी मिल रहा है। कितना कमीशन मिल रहा है? 8% का, है ना, ऑन सेल्स ओवर 50,000। 50,000 के ऊपर के सेल्स के लिए 8% का कमीशन। अगर प्रिया की टोटल इनकम कितनी है? 17,400। तो बताओ उसने सेल्स कितना किया हुआ है? हम बोल देंगे कि सेल्स कितना किया हुआ है, उसने एक्स रुपए का सेल्स किया हुआ है। ठीक है, टोटल इनकम कितनी मिली हुई है उसको? क्वेश्चन नहीं बोला हुआ है, उसकी टोटल इनकम 17,400 है। 17,400 में फिक्स सैलरी भी रहेगी और कमीशन भी रहेगा। फिक्स सैलरी 15,000 है, कमीशन कितना है उसको? 8% ऑन सेल्स ओवर 50,000, है ना। तो एक्स यानी टोटल सेल्स है, इसमें से 50,000 माइनस कर देता हूं, इसके ऊपर 8% लगा देता हूं। ठीक है, इसमें 15,000 ऐड कर दिए तो कुल मिला के आ जाएगा 17,400, जो कि उसकी टोटल इनकम। ये स्टेटमेंट आया क्या समझ में? बोलो हाँ या ना। अरे बोलो ना, हाँ या ना जी। हाँ, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके एक्स का आंसर निकाला, तो समझ में आ गया कि प्रिया ने जो टोटल सेल्स किया हुआ है वो कितना है? 80,000। अगला क्वेश्चन। मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, लेकिन आपको जहां दिक्कत आवे आपने रोक देना चाहिए मुझे, ठीक है ना। अबे बोलो ना, बोलते भी नहीं है बच्चे। जी हाँ जी हाँ, सही है। एग्जाम्पल नंबर 6, मस्त क्वेश्चन है। थोड़ा सतर्क हो जाना भाई यहाँ पे, है ना। मैं तो बड़बड़ करते ही रहूंगा, लेकिन आप सतर्क हो जाना। इनकम ऑफ ब्रोकर, एक ब्रोकर की इनकम अनचेंज हुई है, एक ब्रोकर की इनकम अनचेंज हुई है, ठीक है। दो, माना कि उसका रेट ऑफ कमीशन क्या किया हमने? इंक्रीज किया। कितना? 4% से 5% किया उसका कमीशन, तो भी उसकी इनकम अनचेंज हुई। इसका मतलब ही क्या है? हमारा टोटल सेल्स कम हो गया। पहले टोटल सेल्स ज्यादा था, उस पर कम परसेंट का, 4% का भी कमीशन देते थे, है ना। वो अब बराबर होने लगा। जब हम 5% का कमीशन का रेट बढ़ा दिया हमने, लेकिन सेल्स कम हो गई ना हमारी, सेल्स कम हो गई, तो पुराना कमीशन और नया कमीशन दोनों का अमाउंट कैसा हो गया? शेम टू शेम। फाइंड ये सेल्स में कितना रिडक्शन हुआ, ये बोला हुआ है। क्वेश्चन आया क्या समझ में? अरे बोलो। पुनीत अरोरा, गौरी सिरोया, दर्शना टावरी, श्रेया गट्टानी, याचिका तलरेजा, कोमल छाजेड, बोलो। साक्षी मेघानी, आयुष पाटिल, अबे समझा कि नहीं समझा? बोलो ना। समझा सर। हाँ, मैंने क्या बड़बड़ किया? कुछ समझ में आया आपको? बस मेरा बोलना इतना है कि पहले उसका बिजनेस देखो, पहले उसको वो कमीशन 4% मिलता था, अब उसको कमीशन 5% मिल रहा है, लेकिन हमारा ओवरऑल सेल्स क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, करके कमीशन का अमाउंट उसको शेम टू शेम मिल रहा है। बताओ कितना कमीशन क्या हो चुका है? रिड्यूस हो चुका है, है ना, परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ सेल्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम, लेट अस अज्यूम, इनिशियल वैल्यू ऑफ बिजनेस इज 100 रुपया है इनिशियल वैल्यू, है ना, और इनिशियल रेट ऑफ कमीशन 4% है, ये तो हमको दिया हुआ ही है। तो
ओरिजिनल अमाउंट ऑफ कमीशन कितना मिल जाएगा, 100 रुपए के सेल्स पे 4% का कमीशन, यानी 4 रुपए का कमीशन। सही है? जी हाँ सही है। अब हमने मान लिया, माना नहीं, हमको पता ही है कि सेल्स क्या हुआ हमारा, रिड्यूस हुआ। मान लीजिए कि न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस यानी नया सेल्स कितना है, एक्स है, लेकिन नया रेट ऑफ कमीशन 5% है, यानी एक्स पे हमको कितना मिल रहा है, 5%, यानी के 5 by 100 of x, यानी के x by 20। सही है, गलत है बोलो रे, सही है, ठीक है, x by 20, ठीक है। ये नया कमीशन है, क्वेश्चन ने बोला हुआ है पुराना कमीशन का अमाउंट और नया कमीशन का अमाउंट सेम टू सेम है, इवन दो सेल्स कम हुआ लेकिन कमीशन का अमाउंट सेम है, यानी x by 20 is equals to 4। इसी के ऊपर से हमको पता चल गया कि न्यू सेल्स का अमाउंट कितना है, 80 रुपए, ओरिजिनल सेल्स का अमाउंट हमने कितना कंसिडर किया था, 100 रुपए, और नया सेल्स का अमाउंट कितना आया, 80 रुपए, यानी बिजनेस की वैल्यू कितने से रिड्यूस हुई, 20 रुपए से रिड्यूस हुई। लेकिन कितने रुपए से रिड्यूस हुई ये नहीं पूछा हमको, है ना, कितने परसेंट से रिड्यूस हुई ये पूछा। पुराना 100 रुपए का सेल्स था, है ना, 100 रुपए के सेल्स पे 20 रुपए से रिड्यूस हुआ, तो कितना परसेंट रिड्यूस हुआ, 20% से वैल्यू ऑफ बिजनेस रिड्यूस हुई, यही हमको क्वेश्चन पूछा था। समझा कि नहीं समझा, बोलो रे जल्दी जल्दी सारे लोग बताओ, तुषार कासंबे, सुजाता ढेंगरी, निधि राय, गौरी सिरोया, समझा क्या, अनुष्का टेकाडे, यस सर। हाँ, अब अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर है 7, सीधा आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 7 पे। याद आ रहा है क्या ये एग्जाम्पल आपको, मिस्टर पवन, कुंतावन पवन, मिस्टर पवन पेड फिक्स्ड वीकली सैलरी, पवन साहब को फिक्स वीकली सैलरी भी मिल रही है और कमीशन भी मिल रहा है, बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड बाय हिम, है ना। मान लीजिए कि पवन साहब की फिक्स सैलरी एक्स है और परसेंटेज ऑफ कमीशन वाई परसेंट है, ठीक है। अब अगर उसने 68,000 का सेल्स किया हुआ है, तो एक वीक में उसने 68,000 का सेल किया और दूसरे वीक में उसने 73,000 का सेल किया, जिस वीक में 68,000 का सेल किया तो उसको कमीशन कितना मिला, 9,880 उसकी इनकम हुई, है ना। तो देखो कमीशन नहीं, ये टोटल इनकम हुई। मान लीजिए फिक्स सैलरी एक्स है प्लस कमीशन कितना मिल रहा, वाई परसेंट ऑन सेल्स, 68,000 के सेल्स पे वाई परसेंट, ऐसा टोटल अमाउंट उसको कितना मिला हुआ है, 9,880। भूमिका सोनी, शुभदा गावंडे, महिमा चांडक, तुषार कासंबे, समझ में आ रहा है ना आपको, बोलो ना। yes. वेदांत औरंगपुरे, स्वयं अग्रवाल, ठीक है। ये देखो 68,000 का उस वीक में उसने सेल्स किया था, 68,000 का वाई परसेंट प्लस उसकी फिक्स सैलरी, ऐसा कुल मिला के उसको 9,880 रुपया मिला। अब सेकेंड वीक की अगर बात करें तो सेकेंड वीक में उसका सेल्स कितना था, 73,000, वाई परसेंट ऑफ 73,000 प्लस उसकी फिक्स सैलरी एक्स, एक्स प्लस वाई परसेंट ऑफ 73,000, तो उसको कितना रुपया मिला हुआ है, 10,180। ये क्वेश्चन में गिवन है ना। तो उसकी इनकम सेकेंड वीक में 10,180 रुपया हुई है। अब इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया हमने, तो हमको y की वैल्यू मिली 6, यानी y यानी क्या था हमारा, परसेंटेज ऑफ कमीशन कितना परसेंट रहा, 6%, और यही y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दिया तो उसकी फिक्स सैलरी भी मिल गई 5,800। क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था कि बताओ उसकी फिक्स सैलरी कितनी और उसका परसेंटेज ऑफ कमीशन कितना,
समझा या वापस से बताऊं ये क्वेश्चन, बोलो। समझा सर, समझा सर, है ना? अनुष तृप्ति वल्लभवार, कोमल छाजेड, साक्षी मेघानी, ईमानदारी से बात सुनी, अरे बोलो ना वेदिका करवा, सारे लोग और सारी लोगिया, साहिल शिरवाते, वेदांत औरंगपुरे, पलक गांधी, वापस से बताओ क्या सातवां क्वेश्चन? नहीं सर, समझा। समझ गया ना, चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मेरे को लग रहा थोड़ी मुझे स्पीड स्लो करना पड़ता, कुछ ज्यादा फास्ट हो रहा आप लोगों को। आठवें नंबर का क्वेश्चन, आठवें नंबर का क्वेश्चन क्या है? दीपक की सैलरी इंक्रीज किया 4,000 से 5,000। दीपक की ओरिजिनल सैलरी 4,000 थी, दीपक की नई सैलरी 5,000 है, ठीक है? सेल्स बीइंग सेम, सेल्स उतना का उतना ही है, पहले भी सेल्स का अमाउंट उतना ही था, बाद में भी सेल्स का अमाउंट उतना ही है ना? ड्यू टू रिडक्शन ऑफ रेट ऑफ कमीशन, पहले कमीशन 3% मिलता था, अब उसको कमीशन थोड़ा कम मिलता है, 2% मिलता है। हाउएवर, क्योंकि उसकी सैलरी पुराने कंपेयर में बढ़ा दिया, तो उसकी इनकम रिमेन अनचेंज है। क्वेश्चन नहीं बोला हुआ है, उसकी इनकम रिमेन अनचेंज, तो बताए सेल्स का अमाउंट कितना होगा? हमने मान लिया कि सेल्स का अमाउंट एक्स होगा, पहले उसकी दीपक की ओरिजिनल इनकम निकालते हैं। ओरिजिनल इनकम कैसी निकलेगी? सैलरी, जो फिक्स सैलरी मिल रही है उसको, उसमें कमीशन क्या कर देंगे? एड। सैलरी ओरिजिनल सैलरी 4,000 रुपए, ओरिजिनल रेट ऑफ कमीशन 3%, है ना? सेल्स का अमाउंट नहीं पता है तो एक्स कंसीडर कर लिया, 3% ऑफ एक्स, यानी 3/100 ऑफ एक्स, 4,000 प्लस 3/100 ऑफ एक्स, ये है ओरिजिनल इनकम, ठीक है? अब न्यू इनकम कैसी निकालेंगे? वही सैलरी प्लस कमीशन, नई सैलरी ज्यादा कर दिया, 4 के जगह 5,000 कर दिया, लेकिन रेट ऑफ कमीशन पहले 3 था, अब 2 कर दिया, 2% ऑफ एक्स, सेल्स उतना का उतना ही है, पहले भी एक्स था, अभी भी एक्स है ना? ये आ गया नया इनकम। क्वेश्चन ने बोला हुआ है पुराना इनकम और नया इनकम सेम टू सेम है, इनकम ऑफ दीपक रिमेन अनचेंज, ऐसा क्वेश्चन ने बोला हुआ है। ओरिजिनल इनकम और न्यू इनकम सेम टू सेम है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, इक्वेट कर दिया और सॉल्व कर लिया, तो एक्स की वैल्यू मिल गई, और एक्स और कुछ नहीं है, हमारा सेल्स था। तो बताओ दीपक ने कितना सेल्स किया हुआ है? 1,00,000 रुपए का सेल्स किया हुआ है। सही है गलत है? अरे बोलो ना, सही है गलत है? सही है सर, 100% सही है मेरे प्यारे क्लासवासियों, ठीक है? स्लाइड करूं क्या रे चेंज में? समझ में आ गया ना सारे लोगों को? मैंने थोड़ी सी स्पीड कम किया, कुछ उससे एडवांटेज है? अबे बोलो ना, बोलते भी नहीं बच्चे, ज्यादा एग्जाम का लोड आ गया क्या रे आप लोगों को? बहुत है ना, श्रेया गट्टानी, याशिका तलरेजा, बहुत लोड आ गया क्या एग्जाम का? नो सर। नो, हम बिंदास्त है सर। मैत्रेयी ताई, क्यों रे? दर्शना, एग्जाम का ऐसा फुल लोड आ गया है ना? आवाज नहीं आ रही यार आप लोगों की। चलो नौवां क्वेश्चन। एक एजेंट है जिसको हमने कमीशन पे किया, कितना कमीशन पे किया? 7% का कमीशन पे किया कैश सेल्स के ऊपर, और 5% का कमीशन पे किया क्रेडिट सेल्स के ऊपर, ठीक है? अब 1,02,000 का उसने सेल्स किया, और वो बोल रहा है कि मेरा कमीशन अमाउंट 6,420 है। बताओ उस एजेंट ने कैश सेल्स कितना किया होगा और क्रेडिट सेल्स कितना किया होगा? मान लीजिए कि उसने X रुपए का क्या किया होगा? कैश सेल्स, है ना?
एक्स रुपए का कैश सेल्स किया होगा, तो एक्स प्लस क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स। टोटल सेल्स कितना है उसका, 1,02,000। यानी क्रेडिट सेल्स कितना आ जाएगा, एक्स रुपए का कैश सेल्स है, टोटल सेल्स 1,02,000 का है, यानी क्रेडिट सेल्स कितने का रहेगा, 1,02,000 माइनस एक्स। सही बोला गलत बोला, बोलो रे। सही बोला, जवाब नहीं दे रहे आज आप, क्या हो गया रे? जवाब तो चाहिए मेरे को, रिस्पांस तो चाहिए। पार्थ, मोहित, ऋषि, विराज, श्रेया, रिद्धि, वैष्णवी, साक्षी, मेघानी, बोलो ना। सही बोले सर, है ना। चलो तो क्वेश्चन देखो क्या था। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ था कि एक बंदा है, एक बंदे को हम कैश सेल्स पे 7% का क्रेडिट दे रहे, 7% का कमीशन दे रहे, क्रेडिट सेल्स पे 5% का कमीशन दे रहे। उसने 1,02,000 का सेल्स किया और वो हमको 6,420 रुपए का कमीशन मांग रहा। बताओ उसने कैश सेल्स कितना किया और क्रेडिट सेल्स कितना किया। हमने अज्यूम कर लिया कि कैश सेल्स उसने एक्स किया, तो क्रेडिट सेल्स कितना किया होगा, 1,02,000 यानी कि टोटल सेल्स में से कैश सेल्स माइनस कर दो तो बचा हुआ उसका क्रेडिट सेल्स है, यानी 1,02,000 माइनस एक्स यानी क्रेडिट सेल्स। अब कैश सेल्स का कमीशन कैसा निकालेंगे, कैश सेल्स कितना है एक्स और कैश सेल्स का रेट ऑफ कमीशन कितना है 7%, 7/100 ऑफ एक्स, तो ये आ गया कैश सेल्स का कमीशन। अरे सही है ना। अब क्रेडिट सेल्स का कमीशन कैसा निकालेंगे, तो क्रेडिट सेल्स हमारा 1,02,000 माइनस एक्स, ठीक है, टोटल सेल्स 1,02,000 है, कैश सेल्स एक्स है, तो क्रेडिट सेल्स 1,02,000 माइनस एक्स रहेगा, इसके ऊपर 5% का कमीशन है, तो ये निकाल लिया और इसको सॉल्व कर लिया हमने, ठीक है। अब हमको बहुत अच्छे से पता है कैश सेल्स प्लस कैश सेल्स का कमीशन प्लस क्रेडिट सेल्स का कमीशन यानी टोटल कमीशन, ठीक है, और कैश सेल्स का कमीशन कितना है उसका 7x/100, क्रेडिट सेल्स का कमीशन ये जैसा का वैसा, और टोटल कमीशन है 6,420। क्वेश्चन में ही दिया हुआ था टोटल कमीशन 6,420, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स यानी क्या है कैश सेल्स हमारा, 66,000 का क्या निकल गया, कैश सेल्स। क्रेडिट सेल्स कैसे निकलेगा, टोटल सेल्स में से कैश सेल्स माइनस कर दो तो क्रेडिट सेल्स निकल जाएगा, क्रेडिट सेल्स कितना आ गया हमारा 36,000, 1,02,000 में से 66,000 माइनस किया तो 36,000, ये आ गया हमारा क्रेडिट सेल्स। समझा कि नहीं समझा, बोलो रे हाँ या ना। जी हाँ, सही है ना, अभी बोलो ना, ठीक है। ये आ गया कौन सा क्वेश्चन, 9th नंबर का क्वेश्चन। अब 10th नंबर के क्वेश्चन को मैं नहीं ले रहा हूं, आसान है वो, डायरेक्ट मैं 11th नंबर के क्वेश्चन को ले रहा हूं। 11th नंबर का क्वेश्चन एकदम झनाने जबरदस्त है ना, फर्स्ट क्लास है, एकदम अंगार है, ध्यान दीजिएगा। 11th नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला हुआ है, स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर, एक कोई स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर नाम की फर्म है, 15% का डिस्काउंट दे रही है लिस्ट प्राइस पे। लिस्ट प्राइस पे कौन सा वाला डिस्काउंट देते रहते रे, ट्रेड डिस्काउंट, याद है ना आपको, लिस्ट प्राइस पे जो डिस्काउंट देते रहते वो कौन सा वाला डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट। अरे हाँ या ना, जी हाँ। फर्दर 5% का और डिस्काउंट दिया हुआ है कैश पेमेंट पे, कैश पेमेंट पे कौन सा वाला डिस्काउंट देते रहते, कैश डिस्काउंट, है ना, 15% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, 5% का कैश डिस्काउंट दिया, है ना। उसके बाद में नेट प्राइस कितनी आई, 38,356.25। फाइंड आपको निकालने का है, लिस्ट प्राइस निकालने का है वॉशिंग मशीन की, अगर
वो वॉशिंग मशीन 38,356.25 में बेचा। चलो ठीक है, मान लीजिए कि लिस्ट प्राइस कितनी है एक्स, अज्यूम कर लीजिए कि लिस्ट प्राइस एक्स है, तो ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पे कितना रहेगा 15%, तो एक्स पे 15% का ट्रेड डिस्काउंट कितना आ गया 15x/100। सही है गलत है? अरे बोलो ना सारे लोग और सारी लोगिया, बोलो अभी बोलते ही चले। हाँ अब आगे बढ़ते हैं, है ना, ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट। अब इनवॉइस, इनवॉइस प्राइस, अब देखो ट्रेड डिस्काउंट तो हमने निकाल लिया, इनवॉइस प्राइस कैसे निकलती रहती, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया तो फिर क्या बचाती, इनवॉइस प्राइस। ठीक है, लिस्ट प्राइस कितनी है आप इज बताओ, लिस्ट प्राइस हमारी हमने कंसीडर कर लिया था एक्स, है ना, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट अभी निकाला हमने 15x/100, ये निकल गई हमारी इनवॉइस प्राइस। किसी को कोई दिक्कत है क्या, बोलो सारे लोग, कोई डाउट है क्या? पार्थ पांडे, स्वयं अग्रवाल, अनुष्का टेकाडे, साक्षी मेघानी, वेदिका करवा, बोलो कंचन चांडक, आदेश पवार, पुनीत अरोरा, कोई दिक्कत है क्या? नो सर, नो, है ना, ये आ गई इनवॉइस प्राइस। अब इनवॉइस प्राइस आने के बाद में कैश डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 5% ऑफ इनवॉइस प्राइस, है ना, कैश डिस्काउंट कितना है इनवॉइस प्राइस पे 5%, क्वेश्चन ने बोला हुआ है, हमने कुछ भी नहीं बोला हुआ है, उसको 15% का ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, 5% का कैश डिस्काउंट दिया हुआ है ना, तो ये आ गया इनवॉइस प्राइस, इसके ऊपर 5% का डिस्काउंट दिया तो कैश डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो ये आ गया कैश डिस्काउंट 85x/100, ये इनवॉइस प्राइस आई, इसके ऊपर 5% निकाला तो 17x/400, ये आ गया कैश डिस्काउंट। अब आगे बढ़ते हैं, नेट प्राइस कितनी आ जाएगी, नेट प्राइस इनवॉइस प्राइस में से कैश डिस्काउंट माइनस कर दिया तो आ जाएगी नेट प्राइस, है ना, यानी इनवॉइस प्राइस 85x/100 माइनस 17x/100 यानी कि कैश डिस्काउंट, इसको सॉल्व कर लिया तो 323x/400, ये आ गई हमारी नेट प्राइस। हाउएवर क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि नेट प्राइस 38,356 है, तो हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, 38,356.25 इज इक्वल टू 323x/400। ठीक है, इससे निकल गई हमारी x की वैल्यू, है ना, x यानी क्या है हमारी लिस्ट प्राइस, तो लिस्ट प्राइस कितनी है 47,500। समझा क्या रे, बताओ सारे लोग और सारी लोगिया, ऑल माय बंधु एंड ऑल माय भगिनीज, आदेश पवार, निधि राय, कोमल छाजेड, सुजाता, तुषार कासंबे, पलक गांधी, वैष्णवी दारोकर, अथर्व बोरेकर, समझा क्या? हाँ सर जी, हाँ हाँ, चलो बहुत बढ़िया। 11 के बाद में बात करते हैं 12 की, 12वां क्वेश्चन, नहीं 12वां छोड़ो, आसान है 12वां, सीधा 13वां क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, है ना, 13वां क्वेश्चन मस्त है, एकदम अंगारे झकास है, फर्स्ट क्लास है। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, रिटेलर ने बेचा, सोल्ड किया सूट फॉर 8,832 रुपए में बेचा, उसने बेच दिया, यानी ये नेट प्राइस हो चुकी है। ठीक है, इसने जो बेचा ना 8% का मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया, मार्क प्राइस यानी लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस पे 8% का डिस्काउंट दिया, लिस्ट प्राइस पे कौन सा डिस्काउंट देते रहते, ट्रेड डिस्काउंट, सही है गलत है, सही है ना, 4% का कैश डिस्काउंट दिया हुआ है, अबे बोलो ना, हाँ या ना, जी हाँ, है ना, कैश डिस्काउंट काय के ऊपर देते रहते, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद में जो इनवॉइस प्राइस आती, इनवॉइस प्राइस पे हम लोग क्या देते रहते, कैश डिस्काउंट, और वो कितना दिया हुआ है 4% का, उसके बावजूद प्रॉफिट कितना हुआ 38%,
जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है तो प्रॉफिट बाय डिफॉल्ट काय पे होते रहता, कॉस्ट प्राइस पे होते रहता, याद है या भूल गए? गौरी सिरोया, आयुष होलानी, महिमा चांडक, बताओ, याद है ना सर? है ना, अगर क्वेश्चन ने कुछ बोला हुआ नहीं है तो डिस्काउंट काय के प्रॉफिट काय के ऊपर हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है, अनलेस अदरवाइज क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट है। अरे ध्यान में आया ना? ठीक है, तो हमको क्वेश्चन ने बोला 38% का प्रॉफिट हुआ, यानी ये प्रॉफिट काय पे हुआ है, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना रे, बोलो ना। अबे सारे लोग हाँ या ना? जी हाँ। ठीक है, तो अब निकालना क्या है, फाइंड कॉस्ट प्राइस। आपको कॉस्ट प्राइस भी निकालने का है और आपको सेलिंग प्राइस भी निकालने का है। चलो निकालते हैं, मान लेते हैं, है ना, सेलिंग प्राइस नहीं, लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस निकालने का है, मार्क प्राइस यानी लिस्ट प्राइस। मान लेते हैं कि लिस्ट प्राइस कितनी है, एक्स है। ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, 8% दिया हुआ है। ठीक है, तो ये लिस्ट प्राइस पे 8% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, यानी 8x डिवाइडेड बाय 100। इनवॉइस प्राइस कैसे आते रहती, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद में आते रहती इनवॉइस प्राइस। ये कितनी आई, 92x डिवाइडेड बाय 100, है ना, 92x डिवाइडेड बाय 100, ये आ चुकी है लिस्ट प्राइस। ठीक है, अब ये जो लिस्ट प्राइस है, x माइनस 8x डिवाइडेड बाय 100, है ना, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस कितनी आ चुकी है, x माइनस 8x डिवाइडेड बाय 100, यानी ये कितना आ गया, 92x डिवाइडेड बाय 100, ये आ गई इनवॉइस प्राइस। कैश डिस्काउंट काय के ऊपर निकालते रहते, इनवॉइस प्राइस पे निकालते रहते। इनवॉइस प्राइस कितनी आई, 92x डिवाइडेड बाय 100 के ऊपर 4%, तो कैश डिस्काउंट निकल गया हमारा 23x डिवाइडेड बाय 625। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि इनवॉइस प्राइस में से कैश डिस्काउंट माइनस कर दिया तो नेट प्राइस आ जाएगी, यानी 92x डिवाइडेड बाय 100 माइनस में से 23x डिवाइडेड बाय 625 माइनस कर दिया तो नेट प्राइस आ जाएगी, और नेट प्राइस हमको मालूम है 8832। इसमें नेट प्राइस डाल दो, सॉल्व करो, x का आंसर निकलेगा, ये x कितना आ गया, 10,000। और हमको x यानी हमारा है क्या, लिस्ट प्राइस। अल्टीमेटली लिस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 10,000। समझा या नहीं समझा, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, है ना, ये आ गई लिस्ट प्राइस। अभी तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, अभी मजा है। मैंने क्या बताया, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन में बोला हुआ था नेट प्राइस 8832 है, ट्रेड डिस्काउंट 8%, कैश डिस्काउंट 4%। ठीक है, तो मैंने अज्यूम कर लिया लिस्ट प्राइस x, ठीक है, x का 8% निकाल लिया ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, उसके बाद में इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस कैसे निकाला, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो ये आ गई हमारी इनवॉइस प्राइस। ठीक है, अब कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट यानी इनवॉइस प्राइस का 4% निकाला तो ये आ गया कैश डिस्काउंट। नेट प्राइस यानी इनवॉइस प्राइस में से कैश डिस्काउंट माइनस कर दिया, नेट प्राइस ऑलरेडी 8832 थी। ठीक है, नेट प्राइस इज इक्वल टू 8832। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो एक्स निकला, एक्स यानी और कुछ नहीं है लिस्ट प्राइस। ठीक है, अब ध्यान देना, क्वेश्चन कुछ और है, क्वेश्चन ने बोला हुआ है कॉस्ट प्राइस ढूंढिएगा हमारी। ठीक है, अगर हमारे प्रॉफिट कितना है, 32% का, 38% का प्रॉफिट है, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस तो हमको मालूम नहीं है, है ना, नेट प्राइस मालूम है, तो मान लीजिए अगर मैंने 100 रुपए की कॉस्ट प्राइस है तो मेरी नेट सेलिंग प्राइस 138 हो रही है, तब जाके मेरे को 38 रुपए का प्रॉफिट बचेगा। क्वेश्चन ने बोला हुआ है 38% का प्रॉफिट, मेरा नेट सेलिंग प्राइस कितना है, 8832। बताओ मेरी कितनी कॉस्ट प्राइस रहेगी, तब जाके मेरी नेट सेलिंग प्राइस 8832 होगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 100 × 8832 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस × 138।
अल्टीमेटली कितना आया हुआ है आप इज बताओ। कॉस्ट प्राइस इंटू 138 इज इक्वल्स टू 100 इंटू 8832, पूरा सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा 6400, है ना। तो अब कॉस्ट प्राइस हमारी निकल गई 6400 और मार्क प्राइस हमने ऑलरेडी निकाला था 10,000। समझा क्या रे, हेवी हुआ या ध्यान में आया? सारे लोग बोलो ना। अरे आ गया सर ध्यान में। आ गया ना ध्यान में, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन लेकिन अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, इसी के साथ में हमारी पहली एक्सरसाइज पूरी तरह से खत्म। 14वां 15वां क्वेश्चन आसान है, हमारी पहली एक्सरसाइज पूरी तरह से हो गई खत्म। बताओ रे काय करायचं, सेकंड एक्सरसाइज अभीच लेने का है कि उद्या लेने का है? अरे बोलो ना, बोल बोल नहीं रहे बच्चे। सेकंड एक्सरसाइज अभी लेना है या बाद में लेना है? उद्या। उद्या हेवी कल, कल। हाँ हेवी हो रहा है या आ रहा है दिमाग में, जा रहा है अंदर? आ रहा सर समझ में। आ रहा सर। आ रहा सर। हाँ एक मिनट रुकिएगा, मैं पहले पॉज करता हूं। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू।